हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आपके सामने मैं एक जेंट स्वेटर का डिज़ाइन लाई हूँ और ये डिज़ाइन देखिए बहुत सुंदर दिखता है। ये चार रो का डिज़ाइन है और तीन फंदों का डिज़ाइन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लास्ट रो में डिज़ाइन पड़ा हुआ है और ये तीन तीन फंदों का डिज़ाइन है। देखिए, एक दो और तीन। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार फंदे डाल सकते हैं तीन के मल्टीप्लाई में। तो आइए इस डिज़ाइन को डालते हैं। डिज़ाइन की शुरुआत बैक साइड से है, तो हम पहले बैक साइड से बुनते हैं और इसमें जो पहला फंदा है उसे हम स्किप करते हैं और उसके बाद जो फंदे हैं उनको हम सिंपल उल्टा उल्टा बुनते हैं। ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है और इसमें हमें सिंपल उल्टा उल्टा बुनना है और इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। सेकंड रो फ्रंट साइड, पहला स्टिच हम स्किप करते हैं और दूसरा हम सिंपल सीधा सीधा बुनते हैं। तीन रो में इसमें डिज़ाइन नहीं है, तीन रो हमें सिंपल बुननी है और इसी तरह से इस रो को भी हम कंप्लीट करते हैं। सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो बैक साइड, इसे भी अभी हम सिंपल बुनते हैं, उल्टा उल्टा बुनते हैं इसे और इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, फोर्थ रो फ्रंट साइड और ये डिज़ाइन का रो है। देखिए, पहला स्किप हम इस तरह से स्किप करते हैं, पहला जो स्टिच है। उसके बाद जो ये तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों में जो बीच का फंदा है उसे हम जैसे वी नेक में बनाते हैं, हम इसे इस तरह से फ्रंट में लाते हैं, बीच के फंदे को सबसे आगे ले आते हैं और तीन फंदों का हम एक फंदा कर देते हैं। और इसमें हम एक फंदा करते हैं, इसमें हम पहले एक फंदा बनाते हैं, फिर दूसरा और उसके बाद ये तीसरा। देखिए, फिर उसी तरह से जो ये दो तीन का जो पेयर है, इस बीच वाले फंदे को हम सबसे आगे ले आते हैं। इस तरह से, और इन तीन फंदों का हम एक फंदा करते हैं, एक दो और तीन। पहले एक फंदा करते हैं, फिर उसमें से हम तीन फंदे निकालते हैं। उसी तरह से देखिए, जो ये तीन फंदे हैं इनमें भी हम फ्रंट में लाते हुए तीन फंदों को पहले एक करते हैं, फिर उसमें देखिए एक के तीन फंदे करते हैं। थोड़ा ढीले हाथों से करेंगे, ये देखिए। इसी तरह से इस पूरी रो को हम बनाते हैं। देखिए, और इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए, इसके बाद फिर हम दूसरा डिज़ाइन डालते हैं। उसके लिए पहले ये बैक साइड में उल्टा उल्टा बुनते हैं और तीन सिलाई के बाद फिर से ये डिज़ाइन पड़ता है। देखिए, डिज़ाइन बहुत सुंदर है। और इसमें भी देखिए, छोटे बच्चों की स्वेटर में अगर डालना चाहें, कलरफुल स्वेटरों में, तो ये इस तरह से देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे बुनाई के डिज़ाइन ला सकूं। थैंक यू।